अभी मैं हमारे बीच आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की को दो शब्द कहने के लिए। हम तालियां बजा दें। रिहा कृपा डी एडिक्शन सेंटर के आज आशीष और उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित अति आदरणीय आर्च बिशप विंसेंट आइन जी, हमारे खूंटी डायसिस के बिशप अति आदरणीय विनय कंडुलना जी, उपस्थित हमारे साथ गुमला डायसिस के अति आदरणीय बिशप लाइनस एक्का जी, हमारे नव निर्वाचित वीकर जनरल फादर डेविड, सुपीरियर जनरल एग्नेस लैंडफरमैन एमएमएस और उपस्थित सिस्टर अन्ना, सिस्टर मंजू, सिस्टर अनु, सिस्टर जॉन, ऑल द मदर्स दैट आई हैव इन मांडर, और यहाँ पे उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, सभी को हमारे तरफ से जोहार जयसु। सब लोगों को बेचैनी है कि समय काफ़ी पार हो चुका है, खास करके स्पेशली इधर जितने भी लोग हैं, इसीलिए प्रयास रहेगा बहुत संक्षेप में अपने बातों को रखूं। होली फैमिली के साथ और खास करके मेरे जितने भी मदर्स हैं उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, एंड जब भी मैं आती हूँ ये बात को मैं हमेशा रिकलेक्ट करती हूँ, हमेशा सब लोगों को बतलाती हूँ कि मुझे लगता है आज जो बच्चे जो यहाँ डांस कर रहे थे इन्हीं के उम्र के रही होंगे, इफ़ आई एम राइट, आई वॉज दैट ओल्ड। और जैसे कि सभी बच्चे संडे सैटरडे संडे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनको कहीं घूमने ले जाए, पार्क ले जाए, जू ले जाए, तो मैं भी पापा को बोलती थी कि बाबा कहीं चलिए, आज कहीं घुमाने ले जाइए, तो बोलते थे बिल्कुल आज हम लोग पिकनिक चलेंगे, एंड माई पिकनिक यूज टू बी होली फैमिली अस्पताल। दैट वॉज क्लेवर ऑफ हिम, दैट वॉज क्लेवर ऑफ हिम, वो बहुत चलाकी से ये कर लेते थे, वो बोलते थे कि पिकनिक ही जा रहे हैं हम लोग, और सब चीज़ों को हम लोग पैक करते थे, वो हमको यहाँ ड्रॉप करते थे हॉस्पिटल में, और वो खुद चले जाते थे क्षेत्र काम करने, और मेरे लिए पिकनिक ज़रूर था क्योंकि जितना यहाँ पेड़ हुआ करता था, जितना बड़ा गार्डन हुआ करता था और जितने अच्छे खाना मिलता था, तो वो मेरे लिए एक तरीके से पिकनिक ही था। सो इन शॉर्ट आई हैव ग्रोन अप विद दिस फैमिली एंड आई कंटिन्यू टू ग्रो विद दिस फैमिली, सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी, एंड थैंक यू सिस्टर एना फॉर व्हाट यू आर डूइंग हियर, आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जिसको हम लोगों ने देखा, और आर्च बिशप विंसेंट आइन जी ने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के सामने रखा कि आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में, इतना प्रेशर में, वो इतना आसान चीज़ है नहीं, और आशा करती हूँ कि मैं आने वाले समय में अपना योगदान इस संस्था के प्रति दे सकूँ, और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और सभी को धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे, थैंक यू।